फ्री फायर में आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है भाई, कोई सुसाइड कर लेता है, फिर कभी कभी भाई, कभी कभी तो छोड़ो भाई, मतलब हर दिन कोई ना कोई ऐसा केस आता है कि भाई इसने मेरे को स्कैम कर दिया, मैंने आईडी खरीदने की कोशिश की लेकिन भाई मेरे को स्कैम मार दिया भाई बंदे ने। और ये सब बातें हमें आम लगती है, मतलब आज इस वाली वीडियो में तुम लोगों को मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा ना, मतलब सारी चीज़ तो मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन भाई कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा ना जो तुम्हारे लिए जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाँ यार, ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई इस वाली वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर कर दो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस प्रॉब्लम में तुम ना हो लेकिन क्या पता तुम्हारा दोस्त हो, एंड या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई इन फ्यूचर उसने कुछ ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से भाई उसको बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो वीडियो को यार याद से शेयर कर देना। एनीवेज यार, तो ये तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम लोग को भाई ये वाली वीडियो ज़्यादा लोग तक पहुँचानी है तो भाई शेयर करना, नहीं पहुँचानी तो मत शेयर करना। तो देखिए, इस वाली वीडियो में तुम लोग को कोई भी ऐसा फालतू चीज़ नहीं बताने वाला हूँ आईडी स्कैम के थ्रू, मैं तुम लोग को ऐसी चीज़ बताने वाला जो चीज़ तुमको शायद से ना पता हो। अब देखो, तुम्हें से काफ़ी सारे लोग को ये पता होगा कि भाई आईडी स्कैम लोग करते कैसे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग को मतलब बस कुछ रीज़न मालूम है, तुम्हें पूरे के पूरे सारे के सारे रीज़न नहीं मालूम। तो देखो, अगर तुम ये वाली वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे फेसबुक में अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ना लगा हो तो भाई जल्दी जाके लगा दो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आईडी सिक्योर करने के लिए। एंड दूसरी बात यार, बहुत सारे लोग अपने दोस्त को दे देते हैं, हाँ वो दोस्त उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दे रहे हैं उन लोग को पासवर्ड अपना। तो देखो, तुमने ऐसा बहुत बार सुना होगा कि किसी एक पर्टिकुलर यूट्यूबर का कोई अच्छा सा दोस्त था लेकिन उसने उसको स्कैम मार लिया, मतलब तुमने ऐसा बहुत ज्यादा चीज तुमने देखा होगा, सुना भी होगा। तो देखो, इसमें मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा जो दोस्त है, तुम्हारा जो दोस्त है ऑनलाइन दोस्त है, भाई देखो ऑनलाइन दोस्त पे कभी भी यकीन ना करना। देखो हाँ, दोस्ती की तरह भाई उससे बात करो, लेकिन आईडी पासवर्ड का भाई थोड़ा लफड़ा वफड़ा मत करना। तो देखो, हो सकता है तुम्हारा जो दोस्त है वो तुम्हारा आईडी का भी स्कैम ना करे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारी आईडी स्कैम कर दे, हो सकता है कि उसके आईडी में ज्यादा अच्छे बंडल्स नहीं है लेकिन तुम्हारी आईडी में ज्यादा अच्छे बंडल है और वो स्कैम भी कर सकता है, तो वो ऑब्वियस का स्कैम कर देगा। एनीवेज, एक तरह से मैं तुम लोग को यही चीज बोलूंगा, अगर तुम्हें कभी भी अपने किसी दोस्त को आईडी पासवर्ड देना है, अगर वो मांग रहा है, तो भाई उसी दोस्त को तो जिसका तुम एड्रेस वेड्रेस सब कुछ जानते हो, मतलब उसके बारे में सब कुछ जानते हो, उसके मम्मी पापा के बारे में सब कुछ जानते हो, कहाँ पे रहते सब लोग सब कुछ जानते हो, तभी दिया। तो देखो, इस केस में अगर उससे तुम्हारी आईडी स्कैम भी कर दी तो भाई तुम लोग सिंपली जाओगे उसके घर और उसको तुम बोलोगे भाई यार दे दे भाई, वरना तेरे मम्मी पापा से मैं बता दूंगा तब तेरी बुरी वाली खल जाएगी, तो भाई दे दे शांति से आईडी पासवर्ड दे दे। वो बंदा यार ना चाहते हुए तुमको दे ही देगा आईडी पासवर्ड। अगर तुम्हारा कोई ऑनलाइन वाला दोस्त है जिसका तुम एड्रेस कुछ नहीं जानते, तो अगर उसने तुम्हारी एक बार स्कैम मार ले तो सोचो भाई वो वाली आईडी पासवर्ड भाई तुम्हारी हमेशा के लिए चली गई। वो तभी आ सकती जब उस बंदे का मन किया भाई चलो दे देते इसको आईडी पासवर्ड, बट भाई मैं बता रहा हूँ 99.99% में ऐसा नहीं होता है। अब एक और तरीके से तुम अपनी आईडी ला सकते हो, वो है साइबर क्राइम में कंप्लेन करके। अब देखो, ये चीज ना मालूम है मोस्टली लोग नहीं करते, क्योंकि मोस्टली लोग मालूम है बच्चे होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है, तो लोग भाई इसको अवॉइड करते हैं। और इसमें मेन रीजन होता है वो पेरेंट्स नहीं मानेंगे ऑब्वियस, पेरेंट्स पहली बात तो तुमको गेम खेलने के लिए तो देते हैं नहीं भाई, तुम गेम खुद खेलते रहते हो भाई चुप चुप के, और भाई यहाँ पे तुम बोलोगे साइबर क्राइम में कंप्लेंट लिखाने, एंड इसी डर की वजह से भाई मोस्ट ऑफ द लोग अपने मम्मी पापा को बताते ही नहीं कि भाई उसकी आईडी स्कैम हो गई, उसकी आईडी में इतना चीज उसने टॉपअप किया था, मम्मी पापा ने जो भाई सेविंग्स बचाई थी वो भी उसमें ही लगाया था। भाई सेविंग्स से याद है, मतलब आजकल मैं देख रहा हूँ कि भाई मोस्ट ऑफ द लोग भाई, मतलब ये मेरे सामने खुद ऐसे एग्जाम्पल पड़े हुए, मतलब दो तीन लोग जिसको मैं जानता हूँ वो खुद ऐसे करते हैं, अपने मम्मी पापा को बोलते हैं कि मैं ये सब काम के लिए पैसे ले रहा हूँ, और फिर उसके बाद भाई दो तीन घंटे के बाद मेरे को रिडीम कोड वाले शॉप के पास दिखता है, मैं बोलता हूँ भाई हाय भाई कैसे, तो कह रहे भाई रिडीम कोड बना रहे भाई, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि भाई क्या करोगे, तो कह रहा था भाई जो नया है ना ग्लू वॉल की स्किन भाई, हाँ वही मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, मैं वही निकालूंगा भाई, अब कुछ भी हुआ मैं तो पूरा का पूरा निकाल के ही रहूंगा भाई वाली ग्लू वॉल की स्किन, तो भाई क्या ही तोपी है यार, मैं क्या ही तो बोलूं ज्यादा से ज्यादा, मेरे पैसे थोड़े ना जो मैं उसको रोकूंगा। आईडी स्कैम में एक और चीज आता है, वो है आईडी बाइंग और सेलिंग। देखो भाई मोस्ट ऑफ द लोग ना मालूम आईडी बाइंग और सेलिंग में भाई बहुत बुरा हाला फंसते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग इसमें इसीलिए फंसते हैं क्योंकि भाई वहां पे उन लोगों को सीजन 2 का लालच दिलाया जाता है। देखो सीजन 2 दे रहे तुमको 10 रुपए में दे रहे, 500 रुपए में सीजन 2 दे रहे भाई, 500 रुपए में कोई भी सीजन 2 नहीं देता भाई, भाई वो बंदा खुद 500 रुपए में खरीद के बैठा वो तुमको 500 रुपए में दे देगा, मतलब भाई क्या ये क्या चल क्या रहा है भाई, यहाँ पे उसको ही मालूम है कि भाई सीजन 2 हद से ज्यादा रहे और उसकी डिमांड भी उसको मालूम है कितनी है, वो उसी 500 रुपए को 10,000 रुपए बना देता है, मतलब बस एक आईडी में सीजन 2 बस पड़ा वो उसके वो 10,000 रुपए लेगा तुमसे, और इसमें भी गारंटी नहीं है कि भाई वो तुमको देगा ही देगा। तो देखो इसमें मैं तुमसे बस एक ही चीज बोलने वाला हूँ, देखो फ्री फायर अभी भी चल रहा है बाद में भी चलेगा, तो देखो अभी तुम कुछ अच्छा सा कुछ भी ले लो, मतलब तुम्हें अपने अकाउंट में लेना ही है कुछ तो अभी कुछ ले लो, अगर तुम्हें भाई इलीट पास लेना तो भाई इलीट पास ले लो, बाकी इवेंट में अगर तुम्हें कुछ लेना है अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ही लो, मतलब भाई मम्मी पापा से एक्स्ट्रा मत मांगो यार। देखो यही इलीट पास 2-3 साल बाद रेयर तो हो जाएंगे बट उतना रेयर तो हो नहीं पाएंगे जितना सीजन 2 है। तो देखो इसमें तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन रहता है, वो अपना केडी या फिर अपना गेम प्ले इंप्रूव करो, कहीं टूर्नामेंट में कुछ तो नाम बना भाई, देखो सीजन 2 बन रहने से भाई टूर्नामेंट में नाम नहीं बनता भाई, गेम प्ले से ही बनता है। और एक बार तुम कोई भी FFIC या फिर कोई भी बड़ा सा टूर्नामेंट जीत जाओगे तो भाई मेरे को जहां तक पता है कि भाई सीजन 2 से ज्यादा इज्जत तो तुम्हारी होगी।
तो देखो फ्री फायर जितना तुमको चमकीला दिखता भाई उतना ही वो डार्क भी है। देखो फ्री फायर के हद से ज्यादा नुकसान है, अगर तुम गिनने बैठ गए तो भाई तुम्हारा एक दिन निकल जाएगा। और जो मेरा पहला पॉइंट था वही भाई सबसे मेन चीज था भाई ये नुकसान का कारण। देखो भाई आईडी स्कैम या फिर कोई भी चीज की वजह से भाई लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस वजह से भाई लोग सुसाइड कर लेते हैं या फिर किसी को गेम खेलने को नहीं मिलता तो उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं आजकल पता नहीं कैसे। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता, कोई बंदा कुछ भी थोड़ा थोड़ा डायमंड गिव अवे कर लेता भले वो कितना भी स्कैम कर रहा हो भाई लोग उसको भगवान समझने लगते हैं। लोग डबल रैंक टोकन से ग्रैंड मास्टर जाते तो लोग उसको भगवान समझने लगते हैं। कोई भी मतलब कुछ भी गलत करता फिर बोलता मैं ये नहीं करता तो भाई लोग उसको भगवान समझने लगते हैं। पीसी पे खेल के मोबाइल वाले को नूब बोल के चला जाता है तो लोग उसको भगवान समझने लगते हैं। पीसी पे लोग एडब्ल्यूएम ज्यादा फास्ट चला लेते हैं मोबाइल वाले से तो लोग मोबाइल वाले को नूब कहने लगते हैं। अगर कोई टूर्नामेंट प्लेयर अच्छा खासा मूवमेंट ना दिखा पाया कस्टम अनलिमिटेड वॉल में तो भाई लोग उसको बेवकूफ समझने लगते हैं और कहते हैं कि भाई वो एक नंबर का नूबड़ा बंदा है। मतलब लोग आजकल भाई किसी को भी कोई भी कंपेयर करना चाहते हैं ना कि भाई इस प्लेयर को मैं अपने गिल्ड में लेना चाहता हूं तो सबसे पहले बोलते हैं कि भाई तू अपने सीएस का 1v4 गेम प्ले डाल दे भाई। मतलब अगर अपने गिल्ड में लेना ही है तो भाई फुल में आपके स्किल्स देखो ना, क्या भाई कस्टम में 1v4 कर पाता है कि नहीं ये देखते हैं भाई, फिर उसके बाद उसको गिल्ड में ले लेंगे। अब देखो मुझसे काफी सारे लोग बोलेंगे भाई तूने भी तो सेकंड चैनल पे ऐसी गेम प्ले डाला है 1v4 प्रोनेशन में जाने के लिए। देखो पहली बात तो मैं प्रोनेशन में जाने के लिए नहीं वो वाली वीडियो बनाया था, वो वाली वीडियो बस मैं भाई व्यूज के लिए किया था। ऑब्वियस क्या मेरा नया नया चैनल बनाता था तो मेरे को पता था कि भाई अगर मैं ऐसी वीडियो डालूंगा तो ऑब्वियस क्या उस पर व्यूज आएंगे और ऑब्वियस क्या उस पर व्यूज आ गए तो बस मैंने व्यूज के लिए किया था। मेरे को प्रोनेशन में घंटा नहीं जाना, मेरा खुद का गिल्ड है 9 लाख ग्लोरी का। एंड कोई भी लोग मेरे को अभी बोलने वाले हैं कि भाई तू खुद नूब है तो भाई मेरी केडी देख लो भाई। देखो पिछले बार मैंने ज्यादा कर ली थी, इस बार थोड़ा कम कर रहा हूँ क्योंकि भाई अभी मैं रैंडम के साथ ज्यादा खेल रहा हूँ, अभी स्क्वाड वाले के साथ थोड़ा सा कम खेलने को मिल रहा है क्योंकि भाई अभी मेरे टेस्ट चल रहे हैं। एनीवेज देखो फ्री फायर में ऐसे बहुत ज्यादा स्कैम होते रहते हैं भाई, अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि भाई तुम कितने अच्छे से भाई किसी बंदे को लेते हो सीरियसली या फिर नहीं लेते हो सीरियसली। आखिरी में तो मैं तुमसे बस यही बोलना चाहूंगा कि भाई कोई बंदा कितना भी अच्छा हो जाए, मतलब वो हद से ज्यादा कितना भी अच्छा हो, उसे तुम्हें भले बहुत सारा चीज दिया हो लेकिन भाई कभी उसको अपनी आईडी मत देना भाई, सही बता रहा हूँ, आईडी मत देना, भले कुछ और दे दो भाई आईडी मत देना।